अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। कराची में ठंड बढ़ चुकी है, आज है थर्सडे का दिन, तो आज मैं सोच रही थी कि मैं आपको हैंड बीट जो कॉफ़ी होती है वो बनाना सिखाऊँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये करना है, कॉफ़ी तो हम बीटा में भी बनाते हैं लेकिन उसकी उतनी मज़ा नहीं देती जितना कि हैंड से करके जो आप बनाते हैं ना, तो बीट करके। तो मैं वो आपको कॉफ़ी आज बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसके लिए 2 टेबल स्पून शुगर लेंगे, एक दो। और अच्छा, सबसे पहले आप ये करना है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोज आपको मिलती रहें। और दो टेबल स्पून हम लेंगे, जितनी हमने शुगर ली है उतना ही हम कॉफ़ी लेंगे, कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं। इसके अलावा ये है कि लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी कि आपने टी जो साशे होते हैं उसकी कॉफ़ी नहीं लेनी, उसका ये फ्रॉथीनेस नहीं बनेगी, तो जो हम इसके क्रीमी सा बनाते हैं ना टेक्सचर, वो नहीं बनेगा। और आपने थोड़ा सा पानी गर्म करके ले लेना है, तो ये पानी मैंने गर्म कर लिया है और इसको मिक्स करना है। पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब, 2 टेबल स्पून, और इसको हम बीट करेंगे। हम चलाते जाएंगे मिक्स करेंगे कॉफ़ी के बीन्स और शुगर, इसमें मिक्स सब करेंगे। थोड़ा सा ब्लैकिश होगा पहले, फिर ब्राउनिश होने लगेगा, आप देखिएगा क्रीमी ब्राउन फ्रॉथी सी हो जाएगी। फुलका पचीन स्टाइल बन जाएगी। इसके बाद फिर हम इसको 1 कप दूध लेके और उसमें डालेंगे। ये काफ़ी कप्स इस्तेमाल हो जाते हैं इसमें, 6 से 7 कप हम जो बना सकते हैं इतना बनाते हैं, जो इतनी कॉफ़ी हम बना रहे हैं 6 से 7 कप के लिए इस्तेमाल होती है। इसको हम हाथ से बीट करते जाएंगे, तो ज़रा सा मेहनत तलब होता है लेकिन जल्दी भी हो जाता है, लेकिन यह क्या अच्छा होता है, इससे कॉफ़ी अच्छी बनती है। देखो कलर चेंज हो रहा है, अभी थोड़ा सा पानी हम मोड़ लेंगे, ये देखिए। आप लोगों की सर्दियाँ कैसी गुजर रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आपको, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा जब तक हम कॉफ़ी बीट कर रहे हैं। बस इसको चलाते रहना, थोड़ा पानी, जब ये चलने में ज़रा मज़ाहमत करें, मसला करें, रेजिस्टेंस क्रिएट हो, तो फिर आपने इसको इसमें थोड़ा सा पानी मिला देना। बस ये करते 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 ये फ्रॉथीनेस हो जाएगी, इसमें खूब क्रीमी सा टेक्सचर बन जाएगा जो कि बहुत थिक सा हो जाएगा, उस वक्त पर ये कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ करके, ये देखिए अभी हमारा ये टेक्सचर इस तरह का कुछ आया है। अभी मैं इसको और थिक बनाऊँगी, और थिक सा हो जाएगा ये। फिलहाल बीट कर करके इतना हुआ, अभी थोड़ा सा मैं और करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब ये इस स्टेज पर मैंने इसको खूब बीट किया है, और अब इसकी ये फॉर्म आ चुकी है। ये देखिए कितनी थिक एंड फ्लफ़ी सी कॉफ़ी बन गई, क्रीमी टेक्सचर है इसका, आप देखें बिल्कुल बहुत थिक सा हो रहा है। इसको आप और भी ज़्यादा हार्ड बना सकते हैं, लेकिन इतने क्रीमी अच्छी रिच कॉफ़ी बन गई है ये। कॉफ़ी का इसका पूरा इतनी ज़बरदस्त सी लग रही है, देखें। इसका हम 1 टेबल स्पून कॉफ़ी के अंदर आपको दूध में डाल के दिखाएंगे, तो 6 से 7 कप ये बना सकते हैं आप, और कितने क्रीमी सॉफ्ट और सिल्की सी लग रही है। और जिनको शुगर ज़्यादा चाहिए वो और उसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं दूध के अंदर, लेकिन ये जिनको कम चाहिए वो इनफ है उनके लिए। अब इधर हमने दूध गर्म करके रखा हुआ था, इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ये कॉफ़ी डाल देंगे और इसको चलाएँगे। देखिए ज़बरदस्त किस्म की कैपेचिनो तैयार हो गई है, और क्रीमी सी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। इसका हम थोड़ा सा चला लेंगे चमचे को, और ऊपर से जो इसका आ रहा है ऊपर से बिल्कुल क्रीमी ब्राउनिश, बिल्कुल टॉफ़ी की तरह इसका टेक्सचर आ रहा है, और क्रीमी सा। इसको हम पियेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हम लोग कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, आप लोग भी बनाएं फिर बताइएगा फिर कैसी लगी इस प्रोसीजर से।
हम लोग कॉफ़ी इंजॉय करने जा रहे हैं, आप भी बनाएं फिर हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आज की ये कॉफ़ी की रेसिपी कैसी लगी आपको। ये देखिए इसका क्रीमी टेक्सचर आ गया है बिल्कुल ऊपर, और जिनको शुगर ज़्यादा चाहिए वो डाल सकते हैं।